इज इट विजिबल टू एवरीवन? जी सर, ये इसको फुल स्क्रीन मोड में करेंगे। हाँ आई आप ठीक, थिंक इज बिल्कुल 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 आप। ओके. सो द वेरी मच बेसिक ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज टू नो दैट व्हाट इज द नेट एरिया एंड व्हाट इज द ग्रॉस एरिया व्हाइल एस्टिमेटिंग यील्ड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट और एंड एट ए लेवल ऑफ प्लॉट और यूनिट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो सी दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लॉट वेयर यू कैन सी सम रोज. दीज आर द क्रॉप रोज हियर. एट एंड बोथ एंड्स ऑफ द प्लॉट देर इज ए बॉर्डर रो. सो वी शुड नॉट इंक्लूड द बॉर्डर रो इन द नेट यील्ड व्हेन एवर वी असेस द क्रॉप यील्ड. अनदर वन इज योर सैंपल रो. ऑलवेज कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द सैंपल रो. बट यस यू कैन सी इन द बॉटम देर इज वन येलो स्ट्रिप दिस एंड एट टॉप एज वेल. सो दिस इज वी कॉल्ड द बॉर्डर एरिया. टू रिड्यूस द बॉर्डर इफेक्ट और आई कैन से टू अवॉइड द बॉर्डर इफेक्ट वी हैव टू अवॉइड द बॉर्डर रोज एज वेल एज फ्रॉम अनदर पार्ट बोथ एंड्स बॉर्डर एरिया एंड द विड्थ ऑफ द बॉर्डर एरिया डिपेंड्स अपॉन स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप. सम ऑफ द नैरो ग्रोइंग क्रॉप्स द बॉर्डर स्ट्रिप विल बी स्मॉलर एंड इन केस ऑफ स्पार्स ग्रोइंग क्रॉप्स ऐसी फसल जिनमें ज्यादा स्पेस होता है ज्यादा जगह होती है फॉर एग्जाम्पल मेज उसमें आधा मीटर का आपको बॉर्डर एरिया चाहिए. आधा मीटर ऊपर आधा मीटर नीचे दो साइड से रो की साइड से एक रो डिस्कार्ड करेंगे एक तरफ से एक रो दूसरी तरफ से दो दोनों तरफ से एक एक रो डिस्कार्ड हो जाएगी. देन ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ यू नीड सैंपलिंग. से फॉर एग्जाम्पल एनी एग्रोनोमिस्ट नीड सैंपलिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ग्रोथ बिहेवियर ऑफ द क्रॉप. सो दैट नीड्स पीरियोडिक सैंपलिंग. पीरियोडिक सैंपलिंग मीन्स सैंपलिंग एट ए डेफिनेट इंटरवेल. इट मे बी 15 डेज और इट मे बी 30 डेज. समटाइम्स इन सम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इट मे बी 10 डेज. सो दिस बोथ साइड ऑफ द क्रॉप बोथ साइड ऑफ द सैंपल रोज आर अवेलेबल फॉर सैंपलिंग ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप ग्रोथ सीजन. पूरे सीजन में आपको ये दोनों साइड की रो से सैंपलिंग करनी है. तो क्रॉप सीजन में आप लोग ग्रोथ के लिए और दूसरे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोग यहां से सैंपलिंग करेंगे. कई बार आपको जरूरत होती है कि आप लेबोरेटरी एनालिसिस करें ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ प्लांट का. तब भी आप लोग सैंपल रो में से ही लेंगे क्योंकि जो आपका बॉर्डर रो है बॉर्डर रो में सोयल में भी इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिएंट मूवमेंट का. यहाँ पे आपका क्रॉप का न्यूट्रिशनल लेवल डिफरेंट होगा. क्रॉप को एक खुला स्पेस मिलता है तो बॉर्डर साइड से क्रॉप की ग्रोथ ज्यादा होती है. इसलिए ये प्लॉट्स के आपका जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है उसके लिए ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता. इसी तरह से आप जब ये पूरा एरिया ये क्योंकि आपने यहां से सैंपल ले लिया सैंपल रो में से सैंपल ले लिया है इट मींस नंबर ऑफ प्लांट्स आपका कम हो गया है.
इसलिए अगर हम इसको इंक्लूड कर देंगे यील्ड में तो यील्ड में वेरिएशन होगा। इसलिए जो आपका ये आपका स्काई कलर जो बीच में दिख रहा है दैट इज द नेट फ्लोट एरिया। फाइनली जब आप क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे तो आप इसी एरिया की क्रॉप को हार्वेस्ट करके अलग रखें, उसी का आप यील्ड असेसमेंट करें। रेस्ट ऑफ द क्रॉप जो भी आपकी बच गई है उसको आप लोग शामिल करेंगे टोटल जो आप प्रोड्यूस जमा करते हैं उसमें अलग से। तो इसके लिए और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू शुड नेवर कलेक्ट एनी सैंपल, नेवर कट द क्रॉप बिटवीन योर सॉरी इन बिटवीन योर क्रॉप सीजन, नेवर कट द क्रॉप इन द नेट फ्लोट एरिया। ओके, दिस स्काई कलर्ड एरिया, नेवर टेक एनी सैंपल, नेवर कट द क्रॉप, नेवर हार्म द क्रॉप फॉर असेसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट विदाउट एरर। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, बॉर्डर रो एंड सैंपल रो, दिस इज क्लियर। एंड बॉर्डर स्ट्रिप ऑफ अदर टू एंड्स। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज मल्चिंग। व्हेन वी अप्लाई मल्च ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रासी क्रॉप्स, ग्रेमिनी फैमिली क्रॉप्स कैन जर्मिनेट व्हेन यू अप्लाई द मल्च बिफोर इमर्जेंस, दे कैन जर्मिनेट, बट सम ऑफ द क्रॉप्स विल नॉट इमर्ज आउट इफ द एरिया इज फुल्ली कवर्ड विद द मल्च। सो इन ब्रॉड लीफ वीड क्रॉप्स, चौड़ी पत्ती वाली फसलों में, चाहे आपकी मस्टर्ड है या कुछ दाल वाली फसलें हैं, उसमें जब आप मल्चिंग आप स्प्रेड करें तो ये ध्यान रखें कि जहां से आपकी क्रॉप निकलनी है दैट शुड बी एक्सपोज्ड टिल द जर्मिनेशन अकर्स। ओके, अनदर वन, द मल्चिंग नॉर्मली डन फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सोयल। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्चिंग इज टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम द सोयल बॉर्न डिजीजेस। सो इन द राइट साइड देर इज अ टोमेटो प्लांट, यू सी द मल्चिंग इज जस्ट टू सेव दिस क्रॉप फ्रॉम द सोयल बोर्न फंगल डिजीजेस। इफ द प्रोड्यूस टचेज द सोयल और द ब्रांचेज और लीव्स टचेज द सोयल, द डिजीज मे स्प्रेड इन टू द क्रॉप। सो दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव। सो ऑलवेज कीप इन माइंड वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर दिस पर्टिकुलरली मल्चिंग एंड how to apply the mulch, when to apply the mulch. If you apply the mulch, always consider the quantity. Sometimes in some experiments, they fix a definite quantity of the mulch biomass. Say, for example, somewhere they apply 1.5 tons per hectare. Somewhere it is, if it is mentioned in the project, they may apply 2.5 tons per hectare. So, first calculate that if you spread the mulch in 1 meter square area, what will be the quantity? So, accordingly, first assess the quantity, then apply the mulch. Sometimes, if the mulch is not properly spread all over, then the objective cannot be fulfilled.
if there are so many gaps in the mulch, provided that you know what mulching is done for what purpose. Another one, the important aspect is the weed control. We require weed control to avoid the experimental errors. If, say, for example, you are applying fertilizers, manures, and other inputs, if weeds are there, they will absorb or utilize maximum quantity of your input. So the effect on the target crop will be reduced. And weeds are more efficient in comparison to crops. So therefore, we need to control the weeds. And you can use all methods if objective of your project are in the same line. Say, if it is not an organic farming project or natural farming project, then you can apply chemical method, physical method, biological method, cultural method, whichever applicable under the particular set of condition in your area. It varies. So, otherwise, you have to select which method is allowed under your project. And very important part is the effective control. By mechanical means, you control weeds everywhere, but when you observe, you will find that weeds are there near the plant. So, proper controlling of the weeds nearby the canopy, this particular plants is also required. So, effective control of weed should be there. Otherwise, your crop is under stress. And always remember that any other crop plant in a particular crop is also a weed removed. You might know because I am observing that some senior technical officers are also there, but some of the new employees or younger ones, just they should also note this one. That all other crop plants in any crop, particular crop fields are also weeds. One part, another part, if it is varietal experiment, then any other variety plant of the same crop is also a weed. One very important part is when you apply chemical, you need calibration of the sprayer. And the most common sprayer is knapsack sprayer here. So for calibration, we use water. And always remember three factors. First one, your speed. When you apply the weedicide, what is your speed? If somewhere you move fast, somewhere you become slower, it affects the quantity of the weedicide. Wherever you are moving fast with your sprayer means less quantity per unit area is being sprayed. Or you stayed for a while to talk someone in one part, then the weedicide will be more that part. So be careful. So first, with your own pace, how you move, check, fill the tank, and you can select 1 meter width strip. For your easiness, if it is a hard surface or cemented surface, you can easily notice which area is sprayed and which is not. You can notice the wet area.
कितना दूर में गीला होता जा रहा है, 1 मीटर की विड्थ लेके आप चलेंगे, तो मान लीजिए आप 20 मीटर चल दिए, 20 मीटर चलने के बाद आपका कितना टैंक खाली हो गया उसको नाप के वॉल्यूम मेकअप कर लें। से फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 1 लीटर, ओके, इफ इट इज 3 लीटर, ओके, 3 लीटर तक उसको भर दें, फिर आप उसके एरिया से आप निकाल सकते हैं कि आपका एक टैंक कितना एरिया कवर कर सकता है। और ये इसलिए जरूरी है कि आज की डेट में कुछ वीडिसाइड्स ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में डलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल है, सिर्फ 4 ग्राम पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए। इसलिए आपको बहुत केयरफुली पहले आपको स्प्रेयर को कैलिब्रेट करना ही चाहिए हर नए आदमी के साथ में। अगर आपका मान लीजिए लेबर बदल गया, उसके साथ में आप फिर दोबारा से कैलिब्रेट करके स्प्रे करें, ठीक है? तो ये जरूरी चीज है। और एक और जरूरी चीज, आप स्प्रे किस पर कर रहे हैं, सोयल पे या क्रॉप पर? क्योंकि वीडिसाइड सोयल अप्लाइड होते हैं और क्रॉप अप्लाइड होते हैं। अगर आप सोयल पे अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड्स को अप्लाई करते टाइम आपके फुटप्रिंट्स उस पर नहीं पड़ने चाहिए, यानी आपको उल्टा चलना है। अगर आपके फुटप्रिंट्स चल पड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं पेंडीमिथालिन, अगर आपके फुटप्रिंट्स उस पे पड़ रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? उसमें क्या होता है, जो उसकी लेयर बनती है वो उतर जाती है, तो वहां से आपके वीड्स इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये वीडिसाइड्स जर्मिनेटिंग वीड्स को मारते हैं। तो इसलिए जब भी आप स्प्रे करेंगे सोयल में तो आपके फुटप्रिंट्स उस पे नहीं जाने चाहिए। अगर आप फंजीसाइड अप्लाई कर रहे हैं प्लांट में और आप वीडीसाइड अप्लाई कर रहे हैं वीड्स पर, तो दो चीजों में बहुत फर्क है। फंजीसाइड अप्लाई करते टाइम आपको प्लांट में थोरोली उसको अच्छे से गीला करना, यानी उसका फंजीसाइड उसकी फंगस को मारने के लिए वो जरूरी है, जबकि वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड अगर आपके वीड के किसी भी पार्ट पे गिर गया तो वो उसको वीड को खत्म कर ले, यानी उसको नहलाना जरूरी नहीं है। ओके, देन बी केयरफुल व्हेन यू अप्लाई हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड जरूरी है कि आप उसमें कुछ चीजों का ध्यान दें। मान लीजिए 2,4-D आप अप्लाई कर रहे हैं और ये ब्रॉड लीफ वीड पे आपने अप्लाई कर दिया, तो ब्रॉड लीफ वीड के साथ में अगर आपकी मस्टर्ड है, आपकी सारी पल्सेज हैं और वो सब मर जाएगी, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि ऐसा वीडिसाइड ना अप्लाई करें जो क्रॉप को मार दे। जैसे आप इसमें ग्रासेस को पूरा खत्म कर दिया लेकिन क्रॉप को कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह से सेलेक्टिव हर्बिसाइड के बारे में आप पूरा लेबल को थोरोली पढ़ लें। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके वीडिसाइड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई जितना रिक्वायर्ड है, से फॉर एग्जाम्पल आपको 500 ग्राम कोई वीडिसाइड अप्लाई करना है पर हेक्टेयर, अगर उसका डोज बढ़ के और 1.5 किलो हो गया या 2 केजी हो गया, तो इट बिकम्स नॉन सिलेक्टिव टू ऑल प्लांट्स, मीन्स वो सबको मार देगा। इसलिए व्हेनेवर यू अप्लाई सेलेक्टिव हर्बिसाइड ऑलवेज कंसिडर द क्वांटिटी एंड योर क्रॉप। एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
when you applied weedicide, say for example 2,4-D in cereal crops, wheat particularly, then wash your sprayer 2-3 times. You should not apply any chemical without proper washing of the sprayer in the pulses or oil seeds or cotton. These crops will die. So be careful. This is about the use of herbicides. Then our next important part is sampling. You need plant sampling. The one important consideration is pull out the plant, then remove the root to avoid the errors. Okay, I think it is clear to you. आप सीधा ऊपर को उससे काटेंगे तो कुछ उसका एरियल पार्ट भी कट जाता है, इसलिए उसको पहले आप अपरूट कर लें अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज आप खुरपी से उसको थोड़ा सा नीचे तक काटें मिट्टी के अंदर, वो जरूरी है. तो बेस्ट वे है अपरूट एंड देन रिमूव द रूट्स. अगर आप उसको बायोमास के लिए ले रहे हैं तो आप इसको रिमूव करके ले सकते हैं, जिसमें रूट बायोमास उसमें शामिल नहीं होता है, एरियल बायोमास होता है. रूट बायोमास की अलग मेथोडोलॉजी है, तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं. और उसमें एक चीज होती है क्वाड्रेंट, दो तरह के क्वाड्रेंट होते हैं. एक सिंपल क्वाड्रेंट होता है जो आपका चौकोर, ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल साइज है 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर बाई 1 मीटर. और अगर आपका फील्ड छोटा है, प्लॉट साइज छोटा है, तो आप इसको आधा मीटर कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा है, क्वाड्रेंट के अंदर भी क्वाड्रेंट होता है एक, वो तब चाहिए जब आप डिफरेंट स्पीसीज की काउंटिंग करनी हो, उनको रिमूव करना है, फिर उसका बायोमास. दो चीजें, एक तो काउंटिंग देन सेपरेट बायोमास, इसके लिए आपको इस तरह का अलग क्वाड्रेंट ज्यादा प्रिसाइज्ड करने के लिए, ज्यादा प्रिसीजन के लिए आपको ये डायग्राम में जो इधर आपको अलग से क्वाड्रेंट दिख रहा है उसको आप ले सकते हैं. एक चीज का ध्यान रखें कि आपका क्वाड्रेंट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए. जैसे यहां से ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसमें अगर आपका 1/2 मीटर स्क्वायर में 4 प्लांट इसके बाहर निकल गए, यहां पे इस साइड से शायद मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा, अगर 4 प्लांट यहां से निकल गए तो यूनिट एरिया के हिसाब से पर हेक्टेयर में इसका बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है. इसलिए जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहे. और इसमें स्ट्रेट जो क्वाड्रेंट होते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर, सिंपली 4 उसके आयरन के टुकड़े, सरिये के टुकड़े, जैसे भी करके लगा के उसको बेल्ट करके बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के लिए वो काफी है. और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बायस्ड नहीं हो सैंपलिंग में. बायस्ड मतलब आपका किसी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है, किसी प्लॉट में मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया हुआ है, वो कंट्रोल प्लॉट है, उसमें आप थोड़ा सा देखते हैं यार कमजोर वाले प्लांट ले लें, ऐसे ले लेते हैं, वो बायसनेस है. तो आपको रेंडमली फ्रेम को थ्रो करना है फील्ड में, और जो उस एरिया में आ जाए उन प्लांट्स को आप हार्वेस्ट कर लीजिए या उखाड़ अपने हिसाब से सैंपल ले लीजिए उसका. एक तो हो गया सैंपल ड्राई वेट के लिए, दूसरा अगर आपको काउंट करना है तब आप उसके अंदर जो उस एरिया में उसकी रूट है, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो बाहर को झुक जाते हैं जब आप डालते हैं, तो उनको डिस्कार्ड कर दें. जिसकी रूट इस 1 मीटर स्क्वायर या 1/2 मीटर स्क्वायर या 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया में है, उनकी रूट्स हैं, बट आपका प्लांट कहीं डालने में क्योंकि ऊपर से झुक जाता है
तो बाहर निकल गया, तो उसको शामिल करते हुए आप इसका सैंपलिंग कर लें। इसमें कुछ डूज हैं, कुछ डू नोट हैं, आप केयरफुली उनका ध्यान दें। और जो सबसे बड़ी चीज है, मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, आपके प्लॉट में जिस तरह का प्लांट विजिबल है, प्लांट पॉपुलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वैसा सैंपल लेना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं बड़े फील्ड के लिए, फार्मर्स फील्ड में, तब आपको 10 से 20 सैंपलिंग पॉइंट चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट में ले रहे हैं जिसमें यूनिट है, एक यूनिट, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के 20 या 25 प्लॉट्स हैं, या हम कह सकते हैं 10 ट्रीटमेंट्स हैं और 3 रेप्लिकेशंस हैं, तो 30 हो गए, तो उसमें आप किसी भी 5 जगह से सैंपलिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लॉट साइज। अगर मान लीजिए प्लॉट साइज आपका 10 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल या उससे कम है, तो आप 3 में भी आपका काम चलेगा, 3 जगह से भी आप सैंपलिंग कर सकते हैं, 3 डिफरेंट लोकेशंस, ये ध्यान रखें। दूसरा, आपको उसमें पूरा डिटेल लिखनी है जब आप सैंपलिंग करेंगे। तो तीसरा, आपने कितनी स्टेज पे सैंपलिंग की है, क्रॉप की एज क्या है, एग्जैक्टली मेंशन करेंगे, 30 डेज पे, 60 डेज पे, और डेट भी आपको सैंपलिंग की मेंशन करेंगे। और ये जरूर लिख दें उस पे कि आपने फोलियर फर्टिलाइजर अप्लाई किया है या फंजीसाइड अप्लाई किया है रिसेंटली, वो जरूर नोट करें, ये भी ध्यान दें। और भी कोई रिक्वायर्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे सकते हैं। उसके अलावा कहीं पे आपके फील्ड में कोई, मान लीजिए कुछ आपको लगता है हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां से आप सोयल सैंपल ले सकते हैं। और एक और चीज, प्लांट सैंपल और सोयल सैंपल अगर एडजोइनिंग एरिया में या सेम एरिया में लेते हैं तो दैट इज बेटर। एंड व्हाट इज डू नोट्स, दैट इज नेवर सैंपल ए डेड प्लांट, जो मर गया उसको अपने सैंपल में शामिल नहीं करना है। दूसरा, लीफ टिश्यू को वॉश नहीं करना है। एंड देन तीसरी बात है कि आप उसको किस में डाल के कहीं सैंपल बाहर भेजना है, तो कैसे डाल के भेजना है, किस तरह से आपको प्लास्टिक बैग या कंटेनर रखना है, उस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है कुछ चीजों का। जैसे एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लीजिए आप पर्टिकुलरली किसी डिजीज के लिए सैंपल ले रहे हैं, तब आप उसको प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक कंटेनर में लेंगे। अगर डिजीज सैंपल है और ज्यादा देर तक आपको सैंपल को पड़े नहीं रखना है, अगर मान लीजिए सैंपल 3 दिन या इससे ज्यादा टाइम के लिए रखा जा सकता है, तो प्लास्टिक बैग में आपके सैंपल में कुछ चेंजेज आ जाते हैं। इसलिए आपको, हम लोग जिसको बोलते हैं वेल परफोरेटेड टसल बैग सैंपल्स लेना चाहिए, जिसमें एयर इजीली मूव कर सके। देन इंसेक्ट डैमेज नहीं लेना चाहिए, मैकेनिकल इंजर्ड प्लांट्स को भी ज्यादा सिवियरली, नॉट सिंपली, उसको भी नहीं लेना चाहिए। ज्यादा एज सीडलिंग है, ज्यादा इस तरह ग्रोथ स्टेजेस का मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, उसको नहीं लेना चाहिए। और ड्रॉट कंडीशन में भी उसका ट्रीटमेंट इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं। जब पूरे में एकदम सूख गया है या पानी की कमी से पूरा क्रॉप पे असर हो रहा है, तो ट्रीटमेंट इफेक्ट वहां मिनिमाइज हो जाता है। और जिसमें ऐसा प्लांट सैंपल जिसमें पूरे में डस्ट हो, या तो आप उसको ब्रश से रिमूव करें, इजीली सॉफ्ट ब्रश से आप उसको रिमूव कर दें, अदरवाइज आप उसको डिस्कार्ड करें। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरी। अनदर वन इज हाउ टू हैंडल द प्लांट सैंपल। जैसा मैं आपको बताया हूं, क्लीन पेपर बैग, प्लास्टिक बकेट, इनको आपको यूज करना है, साफ होना चाहिए। अगर डस्ट या कोई दूसरा रेजिड्यू आपको विजिबल है लीफ सरफेस पे, उसको आप सॉफ्ट ब्रश से हटा दें, लेकिन उसको वॉश नहीं करना। पर्टिकुलरली अगर आपका सैंपल जा रहा है
न्यूट्रिशनल एनालिसिस पार्ट के लिए प्लांट ने कितना अपटेक किया, क्या नाइट्रोजन कंटेंट है, पोटेशियम कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट है, क्या कुछ है, तो उसके लिए आप इसको वाश कभी नहीं करेंगे। अगर आप वाश करना मतलब आपने फ्लश किया है तेज वाटर से, तो उसमें कई चीजें हो जाती हैं। देन उसको परफोरेटेड सैंपल बैग में रखना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अंदर डैम्पिनेस नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर बिल्डअप हो गया और अंदर फंगस ग्रो कर गई, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसका आप लोग ध्यान रखें जब भी आप फील्ड में ये सैंपलिंग करें। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ग्रोथ स्टेज है और देन कौन सा पार्ट लेना है, कितना लेना है। तो वैसे तो दो तरह की सैंपलिंग हम लोग करते हैं, एक तो करते हैं फार्मर्स फील्ड में, एक करते हैं अपना इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट एरिया में। दोनों में एक डिफरेंस है। तीसरी और करते हैं, सॉरी, वो करते हैं क्रॉप कट सर्वे की सैंपलिंग। तो जो क्रॉप कट सर्वे की सैंपलिंग करेंगे उसमें क्रॉप यील्ड असेसमेंट के लिए, मान लीजिए आपने किया है, और फील्ड एरिया का साइज मान लीजिए 1 हेक्टेयर है या 0.5 हेक्टेयर है, तो उसमें आप 5 मीटर बाई 5 मीटर की एक परफेक्ट सैंपलिंग कर लेंगे। उसके लिए एक रोप से आपको क्वाड्रेंट जैसा बनाना है 5 मीटर बाई 5 मीटर, उससे आप लोग सैंपल करके यील्ड देखने के लिए, सिर्फ यील्ड पर्पज के लिए, उसमें से जब वो क्रॉप मैच्योर हो जाए तब उसका आप 5 मीटर बाई 5 मीटर में मैच्योरिटी पे आप उसका यील्ड ले सकते हैं। उसको कट करके, बंडलिंग करके, साइड में करके। सबसे बड़ी चीज है लेबलिंग, कहाँ से लिया है आपने, उसकी प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए। और लेवलिंग के लिए आप कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग मींस समटाइम्स प्लॉट नंबर आपकी जो डायरी में नोटेड होता है, लोग उसके हिसाब से प्लॉट नंबर डाल देते हैं, तो उससे आपका, आप उसको देख लेते हैं कि इतने नंबर सैंपल कौन से प्लॉट का था। समटाइम्स उसका सिंबल डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का लेवल 1 है, 2 है, 3 है या 0 है, तो N0 कर लिया, N2 है तो N2 कर दिया। N2 मीन्स 60 kg नाइट्रोजन या जो भी आपके प्रोजेक्ट में मेंशन्ड है, या नाइट्रोजन भी नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट है, ये तो एग्जाम्पल के। तो इसमें आपको मैं, ये एक लिस्ट है जिसमें आपके सामने कुछ बार्ले, ओट्स, वीट वगैरह, ये जो क्रॉप है, सीडलिंग टू पेनिकल इनिशिएशन कितना लेना चाहिए, पर्टिकुलरली केमिकल एनालिसिस के लिए। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, जब आपको लेबोरेटरी में भेजना है केमिकल एनालिसिस के लिए, उसमें आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको सिर्फ ड्राई वेट लेना है, तब आपको पर मीटर रो लेंथ एक चीज है और दूसरा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से सैंपल ले लेंगे या पर मीटर रो लेंथ से लेंगे। तो जो नैरो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं उनमें पर मीटर रो लेंथ भी एक क्राइटेरिया है, हम लोग ले सकते हैं। तो ये है आपका, जब आप इसको लेके जाएंगे केमिकल एनालिसिस के लिए, तो जब सीडलिंग स्टेज होती है उसमें आपका अबो ग्राउंड बायोमास का पूरा पार्ट ले लेंगे। फ्लावरिंग स्टेज के बाद में वीट क्रॉप में अगर न्यूट्रिशनल एनालिसिस पार्ट है मेनली कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, क्या है, तो आप फ्लैग लीफ लेंगे तब भी चलेगा, या हम उसको वाई लीफ बोलते हैं, फ्लैग लीफ के नीचे वाली लीफ दो मिला के हम लोग ले सकते हैं। तो इसी तरह से मेज है, देन आपका मेज के स्टेजेस हैं। सो इसमें सीडलिंग है, देन टेसलिंग है, सिल्किंग है, इस तरह के डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो उसके हिसाब से आप सैंपलिंग कर सकते हैं जैसे आपका साइंटिस्ट आपको बताए, क्योंकि
हर एक एक्सपेरिमेंटर का अपना प्लान होता है कि वो किस तरह से चीजें एनालाइज करेगा या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसमें से क्या कौन सा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट निकालना है, तो उसके हिसाब से आपको वो गाइड करेंगे। ये तो जस्ट एक आउटलाइन है आपको बताने के लिए। इसमें एक और जैसे आपका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे सुगर केन है, तो सुगर केन में अगर हम लोग पहले सैंपलिंग करते हैं उसका ज्यादा मीनिंग नहीं है। नॉर्मली हम लोग सैंपलिंग करेंगे 2 मंथ्स प्रायर टू मैच्योरिटी, उसके पहले वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो ये कुछ थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो सैंपलिंग के लिए। और इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग की बात हम लोग करते हैं, इसमें आपका जो भी आपका ये बताएंगे, जो आपका साइंटिस्ट बताएगा उसके हिसाब से आप लोग प्रॉप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें एक आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज का, तो आप कंफ्यूज ना करें। एक तो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होता है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज काफी पहले आ जाता है, मींस पेनिकल इनिशिएट हो गया जब आप उसको अपर लीफ शीट को खोलेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब आपको छोटा सा उसमें एक पेनिकल नजर आएगा। उसको हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। उसके बाद में जब उसका टिप बाहर आ जाए, जैसे मान लीजिए ओन वाली वैरायटी है तो ओन बाहर आ गया, या पेडी में तो कई चीजें हैं, तो बेसिकली आपको स्टेज का थोड़ा सा क्लियर करना है। स्टार्टिंग में सीडलिंग स्टेज में कई सारी स्टेजेस हैं, डिपेंड करता है पीरियोडिक। अगर आपका 30 डेज वाला है ओके, नहीं अदरवाइज 1 लीफ स्टेज हो गया, 2 लीफ स्टेज हो गया, इस तरह से करके उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो आपके साइंटिस्ट जैसे आपको बताएं वैसे आप इसको करें। और कभी भी सैंपल को हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई ना करें, उसको आपको शेड में ही ड्राई करें, ठीक है। तो अब किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी फ्रॉम, या आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं वासन से रामप्रता बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। सर, आपने बताया कि जो मल्चिंग करते हैं जी, तो उसमें सर जैसे आपने बताया कि जो ग्रेमिनेसी फैमिली है उसमें सर जर्मिनेशन के बाद में अपने आपने बताया कि मल्चिंग अप्लाई करते हैं सर। नहीं, ग्रेमिनी फैमिली आपने उसको गलत समझा, वो ऐसे नहीं बताया। जो ग्रेमिनी फैमिली के जो क्रॉप हैं वो मल्चिंग को क्रॉस करते हुए भी इमर्ज हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड लीफ वीड वाले जो आपके प्लांट हैं जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स, अगर आपका एंटायर सरफेस कवर्ड है तो वो जर्मिनेशन में, सॉरी इमर्जिंग कह सकते हैं आप, जर्मिनेशन तो अंदर हो जाएगा सोयल में, बाहर नहीं आ पाएंगे। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो उसमें सर कितने टाइम के बाद में अपने मल्चिंग अप्लाई करेंगे सर? आप मल्चिंग अप्लाई इमीडिएटली जैसे ही इमर्ज आउट होने लगे तब कर दें। आपको अगर रो का ध्यान है कि इधर से रो है और रो का इंटर रो स्पेस में ही अप्लाई करना है तब तो ठीक है, पहले आप इंटर रो स्पेस में अप्लाई कर दीजिए। जी जी सर। उसके बाद में आप जब क्रॉप इमर्ज होके आ जाए तो आप बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ग्रेमिनी फैमिली में वीट और ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपकी मल्चिंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा ना हो। ओके ओके सर। और जब आपको अपियर होने लगती है क्रॉप और जब आपको लगता है कि यार लीफ इसका नीचे ही फैल रहा है, तो आप उसका थोड़ा सा वहां से मल्च को आगे पीछे कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी? तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा चौड़ा तो टॉपिक था नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को और भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कुछ बेसिक्स हैं एक्सपेरिमेंटेशन के, तो ये जो यंग टेक्निकल्स हैं थोड़ा सा उस उनको ज्यादा हेल्प करेगा ये बताने में। भाई बेसिकली आप लोग सैंपल रो और बॉर्डर रो का जरूर ध्यान रखें। कभी कभी हम लोग नोटिस करते हैं कि सैंपलिंग में बीच प्लॉट में से सैंपल ले लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेन एवर यू सैंपल, टेक सैंपल ऑफ द क्रॉप, वीड सैंपल आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट योर क्रॉप शुड नॉट बी डैमेज्ड। वेन यू आर सैंपलिंग योर क्रॉप शुड नॉट बी डैमेज्ड ऑफ द नॉन नेट प्लॉटेड, ठीक है। और वीड सैंपलिंग में दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखें, दो तरह की सैंपलिंग होती है। एक तो आपका स्पीसीज वाइज सैंपलिंग हो सकता है, दूसरा आपका पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितने वीड्स हैं उसके हिसाब से सैंपलिंग होता है। तो नॉर्मली जो मास सैंपलिंग करते हैं उसमें हम लोग वीड बायोमास लेते हैं, जितने भी जो भी वीड स्पीसीज हो कोई मतलब। जब साइंटिस्ट को उसमें स्प्रेडिंग इंडेक्स निकालना है डिफरेंट वीड्स का, तब वो उसमें इंडिविजुअल वीड्स का भी आपसे अलग अलग करवा सकते हैं। जी और किसी का कोई सवाल? डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी क्लास ली, लगता है कि किसी के कम है, इनके क्वेरी जो है उसमें कम आई है हमारी, इसीलिए इनके चलो सारे बढ़िया है, एड्रेस हो गए थैंक होंगे शायद, इनके जितने डाउट्स हैं। यू। नहीं वैसे भी ये तो बेसिक चीजें थी जो आई थिंक ज्यादातर इनमें से जानते भी होंगे पहले भी, लेकिन जी, थोड़ा सा और थोड़ा साइंटिफिक चीजें कुछ और इंक्लूड करी मैंने। तो अगर किसी की कोई आगे क्वेरी नहीं है, तो आज के हम लोग इस जो हमारा जो प्रशिक्षण का ये आज का कार्यक्रम है, इसको आगे बढ़ाते हैं फिर इसमें। और मेरे को लगता है अभी किसी की इस तरह की कोई क्वेरी है भी नहीं इसमें, लगता है अभी तक। और अगर होगी भी तो सर, आप तो हमारे साथ ही हैं, अगर इनको कोई ज़रूरत होगी तो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर थे, मेरे को लगता है लगभग सभी के पास उपलब्ध होगा ये, तो ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। जी, सर इनके जी पास शेयर कर देंगे इनका। हाँ और अगर सबकी क्वारी नहीं है, तो आज का जो हम लोग का ये तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है अर्ध दिवस वाला, फरवरी महीने का, इसको आज हम लोग समाप्त करते हैं। और इस समाप्ति के इस पे अवसर पे मैं सबसे पहले तो आज डॉक्टर लेखचंद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में हम लोग को ये लेक्चर जो है, इतना ज्ञानवर्धक लेक्चर जो कहूँगा इसको मैं, व्याख्यान था जो उनका, वो उसको देने का उन्होंने हम लोग को साथ साझा किया इस चीज़ का, उनके इस चीज़ के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने निदेशक महोदय का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जिससे कि जो हमारे टेक्निकल हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे या तो वैज्ञानिक हैं या कोई तकनीकी कर्मचारी पुराने वाले, और या कोई ऐसा कोई हम लोग को उनकी ऐसी प्रतिभा मिलती है कि उनसे इनको कुछ फायदा हो सकता है, तो हम लोग अलग अलग अवसरों पे इनको आमंत्रित करते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और इस माध्यम से यही नहीं है कि भाई हम लोग को केवल एक तरह की, एक सब्जेक्ट की कोई हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर विविध जो हम लोग के विषय है उसको छूते हैं हर हर बार का। जैसे कभी इंजीनियरिंग का हो जाएगा, कभी एग्रोनॉमी से हो जाएगा, जो भी हम लोग को सही लगता है कि एक तकनीकी कर्मचारी को हमारे जानना चाहिए, उसको फील्ड में उसका उपयोग कर सकता है, तो हम लोग उसको इसलिए मंच उन्होंने, हमारे निदेशक महोदय ने उपलब्ध कराया है कि आप यहाँ पे आके एक हर महीने एक लेक्चर करें, और जो हमारे तकनीकी बंधु हैं, कम से कम एक नई जानकारी उनको, जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, डॉक्टर बांके बिहारी जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जब से हमारे कार्यक्रम शुरू हुआ है अर्ध दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी कर्मचारियों का, तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जैसे आनंद जी का एक, उनके घर में कोई देहांत हो गया है उनका, तो उनके यहाँ पे किसी का, उनके ससुर साहब का, फादर इन लॉ का हो गया है,
आज वो आना था, उनको नहीं आ पाए वो, तो हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाकर उनसे फिर बोला, मैंने कहा कि अब आज तो हम लोग को कुछ और व्यवस्था करनी पड़ेगी, और हम लोग जो है कुछ ऐसा भी हो कि भाई जो नया टॉपिक हो, तो फिर हम लोग डॉक्टर लेखचंद जी के पास में गए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा, अगर उनका आपके तकनीकी कर्मचारियों का इससे कुछ फायदा हो रहा है तो मैं इसको अवश्य लूंगा। तो आज उनका भी धन्यवाद है, और बाकी आप लोग का तो धन्यवाद है, ये सब जो आप इससे जुड़े हुए हैं। मैंने जो अपना इसका फीडबैक फॉर्म है उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दिया है, और जो अटेंडेंस लिंक है वो भी अब संभवतः मैं शेयर करूंगा आपको, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। और इसमें हमारे सुरेश चौधरी जी जो हमारे इसके कोऑर्डिनेटर हैं, प्रशिक्षण समन्वयक हैं, हमारे HS भाटिया जी वो भी प्रशिक्षण समन्वयक हैं, और हमारे सुरेंद्र जी वो भी प्रशिक्षण में हमारे समन्वयक हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना जो इसको आयोजन में समय लगता है और जो हम लोग को आवश्यकताएं होती हैं वो सब हम लोग आपस के स्तर पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऐसा विषय चूज करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप सभी को भरपूर लाभ मिले। और बाकी अब देखते हैं, अब मार्च में मिला जाए या फिर उसके बाद जैसा भी होता है, तो आप लोग को इसकी सूचना दे दी जाएगी। और मैं अभी आपके पास में जो हमारा आप सभी का धन्यवाद करते हूँ, मैं आपके साथ में जो है इसका अटेंडेंस का भी लिंक शेयर कर दिया है, और आप इसको अटेंडेंस अपनी मार्क कर सकते हैं सब ना उसमें। और आप अगर आप हमारी तरफ से कोई राम प्रताप जी डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहे तो आप। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बढ़िया लेक्चर था सर। आई थिंक सभी को नॉलेज मिला होगा सर, और ये जो नॉलेज आपने दिया है सर, ये जाके सभी जो साथीगण हैं वो अप्लाई करें।